एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोलकाता से, जहां कोलकाता के एसएन बनर्जी रोड पर जबरदस्त धमाका हुआ है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये जांचने की भी कोशिश की जा रही है कि कितनी तीव्रता का यह धमाका था, किस तरह के विस्फोटक की वजह से यह धमाका हुआ है। तमाम चीजें अभी जांच के अधीन है, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है। लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोलकाता से, जहां पर एसएन बनर्जी रोड पर एक धमाका हुआ है। आशिका हमारी सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। आशिका, किस चीज से यह धमाका हुआ, कुछ और पता चल पाया? देखिए, फिलहाल अभी साफ नहीं हो पाया है प्रशांत। मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति जो कि जिसे रैक पिकर बताया जा रहा है, वो घायल हुआ है। अभी फिलहाल वहां पर जो है पुलिस की टीम मौजूद है और जांच चल रही है कि धमाका कैसे हुआ है। और ये एक बड़ी खबर भी है आशिका, लेकिन कुछ और प्राथमिक जानकारी उस शख्स से मिली जो घायल हुआ है? देखिए, जो व्यक्ति घायल हुआ है उसका नाम बापी दास बताया जा रहा है। हालांकि कैसे ये ब्लास्ट हुआ, हो सकता है कि वहां पर बैग था जिसको वो चेक करने गया जब ये घटना हुई। अभी फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंच चुकी है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा प्रशांत। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कोलकाता से, जहां पर एसएन बनर्जी रोड पर एक जबरदस्त धमाका हुआ है। एक शख्स इसमें घायल भी हुआ है और अभी उसका उपचार भी करवाया जा रहा है, लेकिन अब ये जांचने की कोशिश हो रही है। एफएसएल की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। ये देखा जाएगा कि आखिर ये कितना बड़ा धमाका था और किस तरह की चीज से ये धमाका हुआ। आशिका, कुछ और आशंका प्राथमिक तौर पर उस इलाके को देखकर? देखिए, ये साफ नहीं हो पा रहा है कि धमाका किस वजह से हुआ था। हालांकि फॉरेंसिक्स की टीम, जैसा मैंने बताया, पहुंच गई है और जांच कर रही है। वो जो इलाका है, काफी देर तक उसको जो है कॉर्डन ऑफ करके रखा था, लेकिन अब पुलिस ने उस रास्ते को खोल दिया है, ट्रैफिक वहां से स्वाभाविक कर दिया है। तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये ब्लास्ट क्यों और कैसे हुआ। और ये एक बड़ी खबर भी है, क्या कुछ लोगों को इस संबंध में जो आसपास के थे, पूछताछ कर रही है पुलिस उनसे, और कुछ और पता चल पाया है कि आखिर कोई चश्मदीद उन्हें मिले हों जो इस घटना के बारे में बता पा रहे हों? देखिए, बिल्कुल, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है और घटना के समय जो लोग आसपास थे उनसे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। और जो व्यक्ति घायल हुआ है वो किस अवस्था में है ये देखते हुए पुलिस उससे भी पूछताछ करेगी, जिसके बाद साफ हो सकेगा कि ये ब्लास्ट आखिर हुआ कैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या किसी साजिश से इनकार किया जा रहा है या उस दिशा में भी तफ्तीश हो रही है? देखिए, फिलहाल उस दिशा में भी तफ्तीश हो रही है, क्योंकि चर्चा उठ रही है एक प्लास्टिक बैग की, और संभव है कि उसी प्लास्टिक बैग से जो है ये धमाका हुआ। अलग सबके भी कहना इस पर प्रीमेच्योर होगा प्रशांत। शुक्रिया। न्यूज 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।